click the subscribe button and then click the bell icon for latest music ringtones. Welcome back to any other video and guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि TikTok इंडिया में रिसेंटली बैन किया जाने वाला है. इसके पीछे का रीज़न यह है फ्रेंड्स कि इंडिया में बॉयज़ एंड गर्ल्स की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जो अपना काम पे जाते हैं वे ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं. तो गाइस, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, टिकटॉक ऐप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट. मद्रास हाई कोर्ट ने दिए बैन करने के आदेश. नई दिल्ली, टिकटॉक ऐप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. यह याचिका में मौजूदा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले को देखेंगे और लिस्ट के मुताबिक ही सुनवाई करेंगे. आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की मुद्रे बैच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि यह वीडियो ऐप टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाए. साथ ही कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिए हैं कि टिकटॉक पर बिना वीडियो का प्रसारण न करें. गांव और शहरों में फेमस टिकटॉक के जरिए 15 सेकंड के वीडियो बनाकर शेयर किए जा सकते हैं. लोग इस प्लेटफॉर्म पर डांसिंग, सिंगिंग, फनी और हर तरह के वीडियो बनाते हैं. नेहा कक्कड़ ने पहली बार टिकटॉक पर बनाया ऐसा वीडियो, एक्सप्रेशन से यूं जीता दिल देखे वीडियो. हाई कोर्ट का कहना है कि टिकटॉक के माध्यम से अश्लील सामग्री परोसी जा रही है जो बच्चों के लिए हानिकारक है. कोर्ट का यह आदेश तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्री एवं मणिकेंद्र के बयान के 2 महीने बाद आया. मणिकेंद्र ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ऐप को बैन करने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी और मंत्री ने कहा था. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो मैं डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन